नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम बात करेंगे SSLV रॉकेट के लॉन्चिंग के बारे में। अपनी पहली उड़ान की विफलता के बाद इसरो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो गया है। 10 फरवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नए SSLV रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। अगस्त में SSLV की पहली उड़ान थी जो कि विफल हो गई थी। यह SSLV रॉकेट की दूसरी विकासात्मक उड़ान होगी। किसी भी रॉकेट की विकासात्मक उड़ानों के दौरान उसकी कई पहलुओं का अनुकरण और अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः 2 या 3 विकासात्मक उड़ानों के बाद रॉकेट को परिचालन और नियमित मिशनों के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है। SSLV इसरो का सबसे नवीनतम और सबसे छोटा कक्षीय श्रेणी का रॉकेट है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3 जैसे इसरो के नियमित रॉकेट लॉन्चरों की तुलना में SSLV एक सरल और आसानी से बनने वाला रॉकेट है। SSLV रॉकेट लगभग पूरी तरह से ठोस ईंधन द्वारा संचालित होता है, जबकि PSLV ठोस और तरल ईंधनों और रॉकेट की GSLV श्रृंखला ठोस, तरल और क्रायोजेनिक इंजनों द्वारा संचालित होती है। इसरो द्वारा विकसित SSLV एक छोटा लिफ्ट ऑफ लॉन्च वाहन है। इसकी पेलोड क्षमता पृथ्वी की निचली कक्षा 500 किलोमीटर में 500 किलोग्राम और सूर्य समकालिक कक्षा यानी 500 किलोमीटर में 300 किलोग्राम तक है। इसे मल्टीपल ऑर्बिटल ड्रॉप ऑफ क्षमता के साथ छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। SSLV 3 चरणों की ठोस ईंधन प्रणोदन प्रणाली वाला रॉकेट है। बहुत कम समय में संचालन के लिए तैयार किया जा सकता है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।